जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, प्रथम सत्र पूर्ण होने के बाद आज हम द्वितीय सत्र का प्रारंभ करने वाले हैं। द्वितीय सत्र में आज हम कक्षा 8 का हिंदी और उसमें एकम एक है पत्र एवं डायरी। बच्चों, हम 5वीं कक्षा से पत्र के बारे में जान रहे हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है, कौन से बात का ख्याल रखा जाता है, पत्र हमारा पता यानी कि सरनामा किस ओर आता है, बाद में क्या लिखा जाता है, अंत में कैसा संबोधन किया जाता है, ये सारी की सारी बातें हैं हम 5, 6, 7 कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पत्र लेखक पढ़ने वाले, पत्र एवं डायरी पढ़ेंगे, मगर इसमें आपको पत्र के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। तो बच्चों, आज हम ऐसे पत्र और डायरी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि पत्र के कौन से प्रकार हैं। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें, उसमें पेज नंबर 1 से यह एकम है वो शुरू होता है। पत्र के निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यवसायिक पत्र यानी कि व्यवसाय से लागू होते हो ऐसे पत्र और अंत में है डायरी लेखन यानी कि हम रोजिंदी क्रिया में जो कुछ करते हैं वो हम लिखते हैं उसे डायरी लेखन करते हैं। ये सारी की सारी बातें हैं ये हम एकम एक पत्र एवं डायरी है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें। बच्चों, पत्र एवं डायरी पढ़ते समय पहले हम ये देख लेते हैं कि पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, हमें ऐसी उच्च भाषा नहीं इस्तेमाल नहीं करना कि लोग समझ ना पाए, मगर पत्र लिखते समय हमें सरल भाषा का प्रयोग करना है। पत्र में आसान आवश्यक बातें लिखनी चाहिए, जैसे हम निबंध लिखते हैं या कहानी लिखते हैं बड़ी बड़ी, ऐसी बातें इसमें नहीं लिखनी। जितनी जरूरत है आवश्यक है उतनी ही बात का इस्तेमाल है वो हमें करना है। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, हम किसी को पत्र लिखे तो वो बहुत लंबा नहीं मगर छोटा, जो बात जरूरी है वो कह देने उतना ही होना चाहिए। मित्र या सभी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप, यदि तुम अपने मित्र के बारे में बात कर रहे हो तो तुम का इस्तेमाल करना चाहिए, तुम है वो सर्वनाम, तुम सर्वनाम का इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि आपसे उम्र में बड़ा है तो आप कहकर उसका सर्वनाम है उसका प्रयोग करना चाहिए। पत्रों में सबसे ऊपर बाईं अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए, दाईं और बाईं। बच्चों, आप पहले दाईं ओर लिखते थे मगर कक्षा 6 के अभ्यास क्रम में आपको पत्र लेखन का एक नया तरीका बताया है कि अब आप जो पता लिखो वो बाईं लिखना होगा, पूरा पता और तारीख यानी कि दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिखते हैं उस दिन की तारीख यानी कि दिनांक है वो लिखनी होती है। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको श्रेष्ठ भाषा में संबोधन करना चाहिए, इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। आप पहले पता लिखे बाईं, उसके बाद संबंध, आपका जिसको आप पत्र लिखते हैं उसके साथ आपका कौन सा संबंध है, वो आपके आपकी मित्र है, आपके गुरुजी है, आपकी छोटी बहन है या बड़ी बहन है, उसका संबंध है वो लिखना होता है। बाद में अभिवादन किया यानी कि नमस्ते, जय भारत, उसे अभिवादन कहा जाता है।
उसके बाद पत्र के फ्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। बच्चों संबोधन, अभिवादन किया, उसके बाद फ्लेवर यानी कि उसके नीचे के पैराग्राफ में आपने यह पत्र क्यों लिखा उसके बाद हमको बतानी चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर यानी कि जिस तरफ आपने पता लिखा है उसी तरफ नीचे की ओर पत्र लिखने का संबंध और नाम लिखना चाहिए। आपका उसके साथ कौन सा संबंध है? जो बड़ा है तो आज्ञाकारी, आप छोटे हैं उससे तो आज्ञाकारी, यदि आप सखा है तो प्रिय, ऐसा कहकर नीचे जिस तरफ पता लिखा है उसी तरफ आपको यह लिखना होता है। बच्चों अब हम एकम की शुरुआत करेंगे। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। कभी कभी दूर बसे हमारे कुछ रिश्तेदार, आज मोबाइल के युग में हम पत्र का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करते, मगर बच्चों आज भी अमुक काम के लिए, अमुक कार्य के लिए हमें पत्र व्यवस्था है इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर पहले के जमाने में दूर बसे संबंधियों को अपनी बात है वो बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल है वो करते थे। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। पत्र के द्वारा हमारे मन में जो बात है वो बहुत ही सरल तरीके से हम उन लोगों को पहुंचा सकते हैं। यदि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, मोबाइल, तार यानी कि टेलीग्राम, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के युग में मोबाइल की सुविधा हो गई है, इसलिए पत्र ज्यादातर लिखा नहीं करते। फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी हमें पत्र लिखने होते हैं। मैंने कहा कि अमुक कार्य को करने के लिए पत्र लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जाती है। पत्र है जिसमें आप लिखो तो आप अपनी बात को विस्तार से लिख सकते हैं। पत्र के द्वारा विचारों की प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। पत्र के द्वारा हम किसी को अपने मन की बात बताते हैं तो बहुत सस्ता यानी कि मूल्य में कम पड़ता है। यदि हमें मोबाइल तो पहले मोबाइल को खरीदना पड़ेगा, वो 4-5 हजार का आएगा और ये 4-5 या 10 रुपए में अपना काम है वो निपटा देता है। यानी कि अन्य साधनों की अपेक्षा पत्र है बहुत सस्ता पड़ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाना, शिकायतें करना, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा दिया जाता है। अधिकार यानी कि उच्च पद पर यदि हमें कोई फरियाद करनी है, कोई बात बतानी है या हमें कहीं नौकरी पर जाना है तो पत्र लिखना, एप्लीकेशन लिखना बहुत ही आवश्यक है और किसी के द्वारा अपनी बात है हम जता सकते हैं, वह मोबाइल पर नहीं हो सकता, अन्य साधनों का नहीं, हम अन्य कोई साधन इसका इस्तेमाल नहीं करते। यदि हम म्युनिसिपैलिटी में कोई शिकायत करनी है तो हमें पत्र के द्वारा उसे जमा करनी होगी। यदि साला में आप छुट्टी पर है तो भी आपको पत्र के द्वारा इसको अर्जी बोला जाता है और जॉब करनी हो तो उसको भी अर्जी देनी पड़ती है। ये सभी कार्य है वो पत्र के द्वारा ही होते हैं। तो बच्चों पत्र लेखन में इसकी सारी बातें हमने जान ली, तो आपके अभ्यास क्रम एकम एक में पहला है निमंत्रण यानी कि निमंत्रण देना किसी को। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, जन्मदिन है और उसके लिए निमंत्रण यानी कि आमंत्रण देते हुए पत्र कैसे लिखा जाता है यह बात है वह बताई गई। तो हाँ वर्ड के द्वारा सीखेंगे और समझेंगे।
उपनगर सोसाइटी। यहाँ आप पहले पढ़ते थे तो दाई ओर पता लिखते थे, मगर अब यहाँ बाएं पता लिखना होता है। पता है नब्बे, जो कि घर है उसका नंबर। नब्बे बाद में अल्प विराम दिया है और वह सोसाइटी जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका नाम भुजनगर सोसाइटी। लिंबायत सूरत, सूरत यह शहर का नाम है और उसके बाद लिखा है 394210, यह है पिन कोड नंबर। आप सभी जानते होंगे कि भावनगर का पिन कोड नंबर क्या है, तो हमारा पिन कोड नंबर है 364001 और उसके बाद है 8 अगस्त 2011, यानी कि जिस दिन यह पत्र लिखा है उसकी दिनांक उसकी तारीख है वो यहाँ पर लिखी गई है। तो आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है, पहले पता लिखते समय दाएं ओर पता लिखना है, उसमें पहले घर का क्रम लिखना है, बाद में जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका नाम। यदि आपके घर के ऊपर कोई नाम लिखा है तो उसका नाम लिखना है, बाद में उस एरिया का नाम और शहर का नाम, शहर के नाम के बाद पिन कोड नंबर और अंत में दिनांक लिखनी है। इतना लिखोगे यहाँ पर अपना लिखना होता है। यह लिख उतारने के बाद आपका जिसको आप पत्र लिखते हैं उसके साथ आपका क्या संबंध है वो लिखना। प्रिय मित्र स्नेह, यह लड़का है या लड़की है वह अपने मित्र स्नेहल को निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखते हैं, यानी कि पत्र के बाद संबोधन लिखने के बाद अवश्य ही आया अल्प विराम करना चाहिए। उसके बाद सप्रेम स्मरण, यानी कि सबसे जय भारत भी लिख सकते हो, जय हिंद भी लिख सकते हो, यानी कि अभिवादन। अभिवादन लिखो, उसके बाद यहाँ पूर्ण विराम। अभिवादन में कौन कौन से शब्द आते हैं तो बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में उसका भी लिस्ट यहाँ पर दिया गया है कि यदि आपसे बड़े हैं तो पूजनीय, आपसे छोटे हैं तो चिरंजीव, आप जैसे हैं तो प्रिय, ऐसे संबोधन या अभिवादन यहाँ पर दिए गए हैं। बाद में आप पत्र में नीचे पैराग्राफ लिखना होगा। बच्चों हम यह सारी की सारी बातें सीख गए, मगर दूसरी बात कैसे निमंत्रण पत्र लिखा जाता है उसकी जानकारी है वो हम देखेंगे। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। बच्चा है वो अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहता है अपने मित्र को, इसलिए वह कहता है कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन मेरा जन्मदिन है, रविवार रविवार के दिन साला में छुट्टी होती है, इसलिए यह बच्चा है वो कहता है कि इस बार मेरा जन्मदिन रविवार को, यानी कि छुट्टी के दिन आया है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। इसलिए मैं छुट्टी है इसलिए किसी को मेरी वजह से स्कूल में छुट्टी ना लेनी पड़े, इसलिए मैं सभी को इस बार बुलाना चाहता हूँ क्योंकि छुट्टी का दिन है और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ, इसलिए आप सभी को मैं निमंत्रण भेज रहा हूँ। अब जो बात महत्वपूर्ण है वह लिखनी होती है। तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है, जब हमारा जन्मदिन होता है वह कितनी खुशी की बात होती है, ये तुम जानते हो। यह लड़का अपने मित्र से बात कर रहा है, कह रहा है लिखकर। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे, उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी वो यहाँ आएंगे, बीपी, साजी, प्रशांत, सानिया आदि सब।
सब अवश्य आएगी। यह लड़का है या लड़की है उसने अपने सारे मित्रों के नाम बताए कि साजी, प्रसाद, सानिया ये सारे हैं, ये मेरे दोस्त हैं, वो भी आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। मेरी इच्छा है कि मेरे सारे दोस्त तो आ रहे हैं, तो तुम भी मेरा मित्र हो, तो तुम भी यहाँ पर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। यदि मेरे सब मित्र हो गए और तुम एक ही नहीं होगे तो मुझे बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। हम अपना सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं क्योंकि मेरा जन्मदिन है। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। जन्मदिन के दिन क्या क्या करेंगे ये भी बात हमें लिखनी होती है। कौन कौन आएंगे ये भी लिखना है। मन में क्या विचार आएगी कि यदि नहीं आएगा तो क्या होगा, उस दिन हम क्या करने वाले हैं, ये भी बात है वो हमें निमंत्रण पत्र में दर्शानी है। तो यह बच्चा है वो कहते हैं कि हम भोजन, जलसा, खेल आदि करेंगे और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि तुम इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे। मुझे ऐसी आशा है कि तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई देने अवश्य ही आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। बच्चों देखा ना, अपनी बात, अपना निमंत्रण बहुत ही छोटे शब्दों में उसने कह दिया। उसके बाद एक पैराग्राफ आएगा, तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। बच्चों अंत में जो पैराग्राफ लिखा हो उसमें जिसको आप पत्र लिखते हैं उसके परिवार के लोगों के बारे में बताना है कि माता पिता को चरण स्पर्श, यानी कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, उससे छोटे है इसलिए उसको प्यार यानी कि बार देना। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा, तुम आओ इसलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा यानी कि मैं तुम्हारी राह देखूं। और जिस तरफ आपने पता लिखा है उसी तरफ अंत तुम्हारा मित्र। यहाँ पर अपना नाम लिखना और कोड़ लेना, तो इस तरह निमंत्रण पत्र है वो लिखा जाता है। बच्चों आपको समझ में ना आए ना बात, ध्यान से देखना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसे याद करना बहुत ही सरल है क्योंकि निमंत्रण पत्र तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मगर यहाँ पर पता है वो पाई हो रहा है। पहले हम दाही ओर लिखते थे ना, तो इसमें ना ही फर्क आया और कुछ फर्क यहाँ नहीं आया। आप यह वीडियो पूरा देखना, उसे समझने की कोशिश करना। थैंक यू। जय स्वामीनारायण।